तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। मैं शिवानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ BHIC 107 सॉल्व इट असाइनमेंट 22 से 23 के सेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया 4। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस फॉर्मेट से आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं एंड जिससे आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट अगर आपको इनके सॉल्व इट PDF या फिर हैंड रिटन का ऑर्डर देना है तो आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ अपने असाइनमेंट्स पर। स्टूडेंट, हम आ गए अपने असाइनमेंट्स पर। हमारा असाइनमेंट्स 1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है एंड इसके आंसर आपको 500 वर्ड्स में देने हैं। एंड देन हमारा ये आता है सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट, हमारे असाइनमेंट्स को नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड देन ये आता है हमारा असाइनमेंट नंबर 2, इसका 3rd क्वेश्चन हमारा ये है एंड इसके आंसर आप 250 वर्ड्स में देने हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगी कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से बनाने होते हैं। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कलरफुल शीट का आपको यूज़ नहीं करना है, ब्लैक एंड वाइट शीट यूज़ करनी है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है। नीट एंड क्लीन तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। स्टूडेंट, ये आता है हमारा असाइनमेंट नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है एंड इसके आंसर आपको 100 वर्ड्स में देने हैं। हमारे असाइनमेंट्स में आपको कोई भी डाउट क्लियर करना होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड सो स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं पर फिनिश होती है। एंड स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं शिवानी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।